अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, प्रोग्राम देख रहे हैं आप जायकों की दुनिया। मेरे साथ मैं हूं शेफ़ राफिया दुरानी, जिसमें आप सीखेंगे मुझसे पूरे पाकिस्तान के डिफरेंट जायके। हम रीजन टू रीजन हर रेसिपी को, हर इलाके की डिशेस को कवर करने की कोशिश करेंगे। आज कल जो समर चल रहा है, तो हमारा मेन फोकस जो है वो ज़्यादातर वेजिटेबल्स पे है, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत ज़्यादा हैवी फूड खाना अच्छा नहीं लगता। हर कोई चाहता है कि थोड़ा सा लाइट फूड ही, जो डाइजेशन में भी आसान हो, इसलिए सब्ज़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हमारा मेन फोकस भी ज़्यादातर गर्मियों में वेजिटेबल्स पे होता है। हम उसके साथ वेरिएशंस करते हैं, मीट की कोई भी फॉर्म ऐड करते हैं। आज की हमारी रेसिपीज़ भी बहुत मज़ेदार हैं। मैं बता देती हूँ कि रेसिपीज़ क्या हैं। आज हम बना रहे हैं भिंडी गोश्त, साथ में बना रहे हैं घर की रोटी, घर का फुलका, जिसमें दूंगी मैं आपको बड़े मज़ेदार से टिप्स, जिससे बनेंगी आपकी रोटियाँ बहुत मज़ेदार, और साथ में बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी मीठी ज़ीरे की लस्सी। तो स्टार्ट करते हैं जी अपनी रेसिपीज़ को। आप भिंडी में जो भी टाइप ऑफ मीट आपको अच्छी लगती है, आप वो डाल सकते हैं, वेदर इट इज़ मटन, चिकन या बीफ, जो भी आपको अच्छा लगता है। हम इसको बना रहे हैं मटन के साथ। भिंडी गोश्त का बहुत ही मज़ा होता है, अगर आप किसी भी चीज़ में गोश्त ऐड करते हैं तो डेफ़िनेटली उसका टेस्ट जो है वो बढ़ जाता है। भिंडी को हम थोड़ा सा फ्राई करके डालेंगे। हम मटन यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने मटन को जो है वो पहले से हाफ डन किया है। 70% मैंने इसको गला लिया और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इसमें मैंने एक नमक की हाफ टी स्पून डाली है और इसके अलावा कुछ नहीं। वही यखनी जो है वो हम साथ ही साथ यूज़ करेंगे। थोड़ा सा भिंडियों को शैलो फ्राई करेंगे। यखनी मैं साथ रखी हुई है, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम साथ साथ यखनी को ऐड करते रहेंगे। उससे ये होगा कि बहुत ही ज़्यादा जो टेस्ट है वो इन्हांस होता है। जी, भिंडियों को हम फ्राई इसलिए करेंगे कि भिंडी एक ऐसी सब्ज़ी है जो लेसदार होती है अरवी की तरह, तो फिर जब वो आप हांडी में जब मॉइस्चर क्रिएट होता है, अगर आप उसको फ्राई ना करें तो वो बहुत ही ज़्यादा गीली गीली और बहुत ज़्यादा फिर हांडी में लेस छोड़ती है, तो इसलिए उसको हल्का सा आप शैलो फ्राई कर लें तो बहुत ही मज़ेदार भिंडी बनती है। किस किस को भिंडी पसंद है आप लोग कॉल करके मुझे बता सकते हैं। आज आप क्या बना रहे हैं, वीकेंड है तो ज़रूर मुझे बताएं कि आप लोग क्या बना रहे हैं, आपके किचन में क्या बन रहा है। भिंडी का साइज़ इतना रखेंगे, क्योंकि हम उसको गोश्त के साथ बना रहे हैं, तो थोड़ा सा जो साइज़ है वो बड़ा रखेंगे। अदरवाइज़ आप जो खाली भिंडी बनाते हैं उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप उसमें भिंडी का साइज़ छोटा रख लें। तो ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, जिनको आप फॉलो करें तो आपके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। एक साइड पे हम इसका मसाला तैयार करेंगे। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको इसके दिखा देती हूँ। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बट बहुत ही मज़ेदार बनती है। घर के सिंपल से मसाले हैं, सिर्फ इसमें प्याज का ज़रा रेशो ज़्यादा होता है, और प्याज को ज़्यादा हम ब्राउन नहीं करते, इसमें ज़रा कच्चा कच्चा जो प्याज है वो अच्छा लगता है। प्याज का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा होगा। 3 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने ले लिए हैं। इसी तरह से 3 छोटे टमाटर लिए हैं। मटन लिया है, मटन जो भी पार्ट आपको पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हैं। और सिंपल से घर के मसाले हैं, जिसमें है नमक, लाल मिर्च है, हल्दी है, ज़ीरा है, खुश धनिया का पाउडर है, गोल मिर्च है जो इसको खूबसूरती सी देगी, और अदरक लहसुन का पेस्ट है। एंड पे डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें, हरा धनिया और अदरक। बस ये सिंपल से इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, ज़्यादा कोई फैंसी इंग्रेडिएंट्स नहीं है, बट बहुत ही मज़ेदार भिंडी गोश्त बनेगा। इसको हम फ्राई करते हैं साथ साथ। मेरी भिंडी बहुत फेवरेट है, कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जैसे आम को फलों का बादशाह कहा जाता है, वैसे कहीं ना कहीं भिंडी भी सब्जियों की मलका ज़रूर है, क्योंकि सबकी फेवरेट होती है। इसको बच्चे भी खुशी से खा लेते हैं, बड़े भी खुशी से खा लेते हैं, और आप इसको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में बना सकते हैं, चिकन के साथ भी बना सकते हैं। मसाला भिंडी बहुत अच्छी लगती है, अचारी भिंडी बहुत अच्छी लगती है, तो आप वेरिएशंस करके, क्योंकि ये काफ़ी टाइम रहती है, ये मई में आ जाती है और फिर टिल अगस्त सितंबर ये रहती है।
अच्छा जी, यहाँ पे हम इसका अलग से मसाला बनाएंगे। मटन को जैसे मैंने आपको बताया कि हाफ डन किया हुआ है, इसका हम ग्रेवी तैयार करेंगे और साथ ही साथ हमारी भिंडियाँ जो हैं वो फ्राई हो रही हैं। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा जैसे मैंने आपको बताया कि प्याज भिंडी में ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हमने ये तीन मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, मुझे बताएं कि आपके एरिया का मौसम कैसा है, वीकेंड है, आप लोग क्या बना रहे हैं, क्योंकि वीकेंड पे अक्सर ये होता है कि हर घर में ज़रा स्पेशल फूड बन रहा होता है, कोई ना कोई फेवरेट रेसिपी बन रही होती है। जी चले जी, प्याज को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, प्याज को हम थोड़ा सा ऐसे खड़ा खड़ा सा रखेंगे, क्योंकि वो जब भिंडी खाते हुए हर खड़ा खड़ा सा प्याज आता है तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखें, भिंडी जो है वो साथ साथ जब हम फ्राई कर रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी लेस भी छोड़ रही है, तो इस तरह से फ्राई करने से ये होगा कि इसकी जो लेस है वो ख़त्म हो जाएगी और फिर ये खाने में जब हम इसको ग्रेवी में पकाएंगे तो ये लेस नहीं छोड़ेगी। छोटे छोटे से टिप्स हैं, इनको फॉलो करें तो आपके रिजल्ट्स बिल्कुल उसी तरह आएंगे जिस तरह के मेरे आते हैं। प्याज आपने अच्छा फाइन सा ऐसे चॉप कर लेना है, ये बहुत ही अच्छा लगता है खड़ा खड़ा प्याज। डाल लेते हैं जी साथ ही इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। आप जो है वो हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पेजेस पे, वहाँ पे रेसिपीज़ को फॉलो कर सकते हैं जो स्क्रीन पे आ रहे हैं। कॉल के लिए नंबर्स भी आ रहे हैं, आप उनको भी देखकर कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी कुकिंग क्लास भी है नेक्स्ट वीकेंड इंशाल्लाह 10 को। आई एम वेरी एक्साइटेड कि आप सबसे मुलाकात होगी। चलिए, हम अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो थोड़ा सा दूर करेंगे और फिर हम इसमें टमाटर ऐड ऑन कर लेंगे। मीट को मैंने तकरीबन 70% तक जो है वो डन किया हुआ है, 30% जो है वो इसमें उसकी कुकिंग हो जाएगी और वो फिर बिल्कुल अच्छा सा टेंडर हो जाएगा। साथ में यखनी भी रखी है, जब आप ऐसे यखनी बना लें तो उसी का इस्तेमाल करें साथ ही साथ। अब जाएंगे जी इसमें टमाटर, तीन मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, छोटे टमाटर हैं, प्याज थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं, टमाटर का रेशो थोड़ा सा कम होता है। अच्छा सा इसका हम मसाला बनाएंगे और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। ये खड़े खड़े जो प्याज है वो बहुत ही अच्छा लगता है। भिंडी जो है वो थोड़ा सा श्रिंक भी करती है जब आप इसको फ्राई करते हैं, जब आपको लगे कि इसकी लेस जो है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो गई है तो फिर आप इसको बंद कर दें और निकाल लें। ऑयल का इस्तेमाल आप थोड़ा कम करेंगे क्योंकि हमने फ्राइंग में भी डाला हुआ है और इसमें भी फिर जब ऐड होगा तो भिंडी अपना ऑयल छोड़ेगी। तो ले लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए जायकों की दुनिया। वेलकम बैक जी, हमने लिया था एक छोटा सा ब्रेक जिस पर मैंने कुछ भी नहीं किया, ना कोई मसाला ऐड किया। रिकैप कर देती हूँ, छोटा सा भिंडियों को रख दिया था फ्राई करने के लिए, फ्राई होगी अच्छी तरह से तो मैंने चूल्हे को कर दिया है बंद और पैन में ही हैं भिंडियाँ। साथ में हमने प्याज ली थी तीन मीडियम साइज़ की, हमने ज़रा प्याज ली थी क्योंकि मैंने आपको बताया कि भिंडी में प्याज का जो रेशो है वो थोड़ा सा टमाटर से ज़्यादा रखते हैं और प्याज को हमने बस ट्रांसलूसेंट होने तक पकाया है, ज़्यादा नहीं इसको ब्राउन करना। और साथ में फिर हमने तीन नॉर्मल साइज के जो हैं वो इसमें टमाटर डाले थे और साथ ही साथ हम इसको भून रहे हैं। मसाले मैंने ऐड नहीं किए क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया था, साथ ही मैं कर देती हूँ ऐड अब मसाले भी। सिंपल से मसाले हैं, जब भी आपने इसमें पानी लगाना हो गोश्त को गलाने के लिए या भूनने के लिए तो आप यखनी का पानी ही यूज़ करें, वो बहुत अच्छा टेस्ट जो है वो। अच्छा जी, अब मैंने जब यखनी बनाई थी तो उसमें मैंने जैसे बताया कि हाफ टी स्पून मैंने उसमें भी जो है वो नमक का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ मैं
क्वार्टर टीस्पून जो है वो डालूंगी नमक की, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें जाएगी लाल मिर्च का पाउडर भर के, साथ में जाएगी हमेशा की तरह 1/2 टीस्पून के बराबर हल्दी, जो जिसका रेशो थोड़ा कम रखते हैं। खुश्क धनिया का पाउडर है ये 1 टीस्पून भर के जाएगा, साथ में जाएगा ज़ीरा 1 टीस्पून भर के, और साथ में हम ऐड कर देंगे ये गोल लाल मिर्च 2 से 3। ये खूबसूरत भी लगती हैं और फ्लेवर भी ऐड करती हैं। थोड़ा सा ये यखनी का जो यखनी है वो थोड़ी सी ऐड करेंगे पानी के लिए, इसको थोड़ा सा ड्राई मसाले जब आप डालते हैं तो वो गले में लगते हैं। अब हम तेज़ आंच पे थोड़ा सा इसको भुनाई कर लेंगे ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से गल जाए। ये खड़ा खड़ा मसाला बहुत ही अच्छा लगता है, प्याज जो है स्पेशली इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट करता है। और घर की रोटी का जैसे मैं आपको बता रही थी को कोई नेमल बदल नहीं है, घर का जो फुलका है वो बहुत ही अच्छा लगता है स्पेशली सब्जियों के साथ। बस टमाटरों को ज़रा अच्छा सा हम गला लेंगे, फिर इसमें हम गोश्त को अच्छी सी ज़रा भुनाई कर लेंगे और गोश्त को थोड़ा सा भून के थोड़ा सा डन करके फिर हम भिंडी को, क्योंकि हमने जब फ्राई कर लिया है तो हमने इसको हाफ डन कर लिया है तो इसका अब कुकिंग टाइम बहुत ही थोड़ा सा रह गया है। थोड़ा सा और यखनी ऐड करेंगे, हम ड्राई मसाले हाई फ्लेम पर डालते हैं और बनाते हैं तो ये थोड़े से गले में लगते हैं, तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, अच्छी सी हमने कर लिया भुनाई और साथ साथ इसमें पकते रहेंगे प्याज और टमाटर घुलते रहेंगे। स्क्रीन पे जो है वो नंबर आ रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, आप क्या बना रहे हैं मुझे ज़रूर बताएं। अच्छा जी, ये मैंने मिक्स मटन लिया था, ये 1/2 kg के बराबर मटन है, ये डालेंगे, और 1/2 kg ही मैंने भिंडी ली है, ये लगभग जो है वो तकरीबन 1 किलो की सब्ज़ी तैयार होगी जिसको आप 6-7 लोग इजीली खा सकते हैं। अच्छी सी भी हम इसकी भुनाई करेंगे, साथ साथ आप थोड़ा सा यखनी का जो पानी यखनी है सॉरी वो ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी यखनी मैंने ऐड की है ताकि साथ साथ ये मसाला जो है वो जले नहीं, और हमारा जो ये मटन है, हमारा ये जो गोश्त है, ये अच्छी तरह से भुज जाए। थोड़ा सा लगा देते हैं चीज़ पर ढक्कन, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी क्लास भी है 10 अगस्त को द लेजेंड होटल में इस्लामाबाद में, जहां आपकी मुलाकात होगी बहुत से शेफ से और साथ ही साथ मुझसे भी। तो होपफुली आप सब ने, बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर कर लिया होगा, इंशाल्लाह मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आप सब से मिलने के लिए, और यकीनन आप भी उतना ही एक्साइटेड होंगे। अच्छी तरह से जी करेंगे इसकी भुनाई, और थोड़ा सा हम गोश्त में जो कसर है वो 5 मिनट दम पर रख कर इसको गला लेंगे, और बस फिर उसके बाद हम इसमें भिंडी ऐड करेंगे, हरी मिर्चें, अदरक, और हम 5 से 7 मिनट का इसको दम लगाएंगे। ले लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए प्रोग्राम जायकों की दुनिया। वेलकम बैक जी, लिया था छोटा सा ब्रेक जिसमें मैंने आपको बताया कि हम मीट को जो गोश्त है हमने अच्छी सी भुनाई करनी है, और साथ साथ हमने इसमें ऐड करना है यखनी को, और ये देखें जी जो मैंने बताया कि जो थोड़ी सी इसमें कसर है वो हमने ख़त्म करनी है ताकि गोश्त जो है ज़रा अच्छा सा टेंडर हो जाए, क्योंकि
भिंडी का जो अब कुकिंग टाइम है वो बहुत थोड़ा सा रह गया है, वो 5 से 7 मिनट में दम में डन हो जाएगी। इससे ज़्यादा हमने भिंडी को अब और ज़्यादा नहीं पकाना है। तो साथ साथ मैंने यखनी को ऐड किया था, जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था कि मसाला जो है वो अब ड्राई हो रहा है, क्योंकि आप जब भिंडी डालेंगे तो फिर इसमें आप पानी को या यखनी को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो बहुत ही ज़्यादा जो लेस है वो छोड़ देती है, तो फिर वो अच्छी नहीं लगती। तो आप पहले अच्छी सी भुनाई कर लेंगे इसमें, और पानी को इसी तरह से जो भी इसमें यखनी डाली है उसको अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। भिंडी को हमने किया था जी फ्राई, और ये इस तरह। ये कॉल है, कॉल ले लेते हैं साथ ही साथ। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। आप जो रेसिपी बता रही हैं ये मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, क्योंकि मैं घर में भी भिंडी चिकन बनाती हूँ, तो मटन की मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नादिया, आप आज़ाद कश्मीर से बात कर रही हैं? जी, आज़ाद कश्मीर से बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नादिया, आप कैसी हैं? बट कोइंसिडेंस, मैं खुद भी कश्मीर से हूँ। नाइस, मैं भी। तो मैं आपका शो देखी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। देखिए, जैसे गोश्त में ना ज़्यादा गज़ाइत भी होती है, डेफिनेटली अल्लाह ताला ने इसमें ज़्यादा एक जायका भी रखा है, तो गोश्त में ज़्यादा अच्छी बनती है। या आप भी भिंडी चिकन बनाती हैं, तो मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ कि मटन के साथ आप भिंडी बना रहे हैं। आप ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा और मुझे फिर बताइएगा भी, ये यकीनन आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। जी नादिया, आप कोई फरमाइश करना चाहेंगी? मैं चाहती हूँ कि आप एक दिन कढ़ी पकौड़ा हमें बनाना सिखाएं। मैं कढ़ी पकौड़ा बना चुकी हूँ, आप वो होपफुली आपसे मिस हो गया है। तो आप हमारे ना सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर फॉलो कर सकते हैं, वो रेसिपी यकीनन अपलोड हो चुकी होगी। इसके अलावा कोई फरमाइश? कॉल ड्रॉप हो गई है जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग। और साथ साथ बारिशों की वजह से समटाइम्स होता है, डिस्टॉर्शन हो रही है, कश्मीर साइड पर बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग भी हो रही है, और आजकल बारिशों की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैवल एडवाइजरी भी है। आप लोग जो है वो इस मौसम में थोड़ा सा ध्यान रख के ट्रैवल करें, क्योंकि डिफरेंट जगहों पे स्लाइड्स होती हैं, बहुत ज़्यादा सैलाब भी आए हुए हैं कई जगहों पर, तो थोड़ा सा ट्रैवल करते हुए इस मौसम में ध्यान रखना चाहिए। अच्छा जी, इसमें डालूंगी अभी कुछ हरी मिर्चें, जो कि इसमें बड़ा अच्छा सा एक फ्लेवर क्रिएट करती हैं, और कुछ हम डालेंगे बाद में। अच्छी सी बुनाई हो रही है, बहुत ही स्वीट स्वीट से कॉलर्स हैं जो हमें कॉल करते हैं, और इंशाल्लाह हम एक स्टार्ट करने लगे हैं कि मीटअप्स भी आप लोग मुझसे शो पे आके मिल भी सकते हैं, और साथ ही साथ हमने अपने कुछ कॉलर्स के लिए गिफ्ट्स भी रखे हैं, जो इंशाल्लाह हम 14 अगस्त से देना शुरू करेंगे। अच्छा, ये देखिए अब कितना खूबसूरत सा कलर भी आ गया है, और अच्छी तरह से हमारा जो गोश्त है वो भुन गया। बस गोश्त की थोड़ी सी भुनाई अच्छी करनी होती है, आप जब इसकी अच्छी सी भुनाई कर दें, क्योंकि शो में हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि हम यहाँ पे इसको प्रॉपरली प्रेशर कुकर के बग़ैर उस तरह से टेंडर कर सकें, तो इसलिए मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया था सिवाय 1/2 टीस्पून नमक के, और मैंने इसको तकरीबन 70% तक डन किया था। अच्छा, आप देखें ये अच्छी तरह से जो है वो ऑयल साइडों पे आ गया है, जो हमेशा मैं बताती हूँ आपको कि जब हांडी की भुनाई की पहचान ये है कि हांडी जो है वो फिर अपना इस तरह से ऑयल जो है वो साइड्स पे छोड़ देती है। हमारा जो गोश्त है वो अच्छी तरह से भुन चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे भिंडियाँ, और थोड़ी सी हम तेज़ आंच पे भिंडी के साथ भी इसकी भुनाई करेंगे, और फिर इसको लगा देंगे दम पे, और 5 मिनट में हार्डली जो है वो ये अच्छी तरह से गल जाएंगी। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, और भिंडी जो है वो शैलो फ्राई की है मैंने, डीप फ्राई नहीं की है, बस 3 से 4
टेबल स्पून आप पैन में जो है वो डालेंगे ऑयल के, और आप इसको थोड़ा सा तेज़ आंच पे, आप हल्की आंच पे फ्राई नहीं करेंगे, वरना हल्की आंच पे फ्राई करने से ये होता है कि जो भिंडी है वो सारा ऑयल जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है और बहुत नरम पड़ जाती है। अच्छा जी, ये भिंडी जो है वो इस तरह से इसके अंदर अब इस स्टेज पर डाल लेते हैं। तेज़ आंच पे फ्राई करने से कुछ भिंडी पे थोड़ा सा डार्क कलर आ जाता है और कुछ लाइट रहती हैं। अच्छा जी, ये कॉलर हैं, हमारी रेगुलर कॉलर हैं ममूना डीजी खान से। अस्सलाम वालेकुम ममूना। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं, क्या रहते हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। माशा बहुत प्यारी लग रही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपका प्यार है बस ममूना, और आप इतनी स्वीट कॉलर है। मैं सोच रही थी ममूना शायद आज वीकेंड है तो सो रही है, अभी तक उनकी कॉल नहीं आई। सॉरी ममूना, आपकी मुझे आवाज़ नहीं आ रही। मैंने कोशिश की है तो फिर कॉल मिल गई है। अच्छा 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 जी, वो कह रही है आप लीव करेंगे, आज हम घर में भिंडी गोश्त बना रहे हैं। बस आप वही चीज बनाती हैं जो मैं बना रही होती है, कितनी जबरदस्त बात है। पता नहीं मैंने कहा अल्लाह तआला जैसे हम बात रहे हैं, आप लीव करेंगे बना रहे हैं, और आप नेक्स्ट सेना का लेके वही बनाया था, बहुत मजे का बना था। सॉरी, क्या बनाया था आपकी आवाज में? कीमा, कीमा आपने सिखाया था। कीमा बनाया था, कैसा बना था आपका कीमा? बहुत मजे का बना था, और पूरी फैमिली के साथ थे, हम सारा ही देख रहे हैं, और बच्चे भी हम सब अल्लाह तआला से इंतजार करते हैं, अल्लाह तआला हम मुझे तरक्की कामयाबी अता फरमाए, आमीन आमीन। बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है, तो डिस्टॉर्शन है, मुझे सही तरह से आवाज़ जो है वो आपकी बात जो है सही तरह से समझ नहीं आई। मुझे मेरी टीम ने बताया है कि आप क्या कहना चाह रही हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह, आप बहुत स्वीट कॉलर हैं हमारी, इस तरह से हमारे लिए दुआएँ करती हैं, आपका प्यार है, और आप हमारी रेगुलर कॉलर हैं माशाल्लाह। अच्छा जी, ये देखें आप कितना खूबसूरत सा एक कलर जो है वो गोश्त और भिंडी का क्रिएट हो गया है, साथ ही साथ इसमें हरी मिर्च है, साथ ही साथ भिंडियां हैं, और हमारा जो गोश्त है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो अब हम इसको बस थोड़ी सी देर दम देंगे, हल्की सी इसको मैंने तेज़ आंच पर भुनाई कर ली है, लेकिन इतनी ज़्यादा हमने इसकी अच्छी भुनाई कर ली है कि अब ऑयल जो है वो बिल्कुल हांडी अच्छी तरह से छोड़ दिया, अब इससे ज़्यादा इसको भुनाई की ज़रूरत नहीं है। और शैलो फ्राई जो हमने इसको किया है भिंडी, तो ये काफ़ी हद तक डन हो जाती है, बस फिर आपने ओवर कुक नहीं करना होता, 10-5-7 मिनट का आप दम देते हैं तो ये ज़बरदस्त आपका भिंडी गोश्त जो है वो तैयार हो जाता है। और ये जो भिंडी हमने फ्राई की थी वो इसमें जब ऐड ऑन किया तो वो भी अपना हल्का हल्का सा ऑयल जो है वो इसमें छोड़ेगी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी जलेगी नहीं और ना ही लगेगी, क्योंकि हमने इसमें अच्छा जो ऑयल है फ्राइंग में भी डाला था और इसमें भी है। बस बहुत ज़्यादा हम इसमें चमचे भी नहीं मारेंगे ताकि जो भिंडियाँ हैं वो टूटे नहीं। और एक कॉल है जी, कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन है? अस्सलाम वालेकुम, कॉल ड्रॉप होगी। आज मुझे लगता है कि वो बारिशों और कॉन्टीन्यूसली मौसम की ख़राबी की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन है, और कॉल जो है वो मिल भी जाती है, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं, बट कीप ट्राइंग, कहीं ना कहीं जो है वो किसी ना किसी से तो बात हो जाती है जी। भिंडी को मैंने लगा लिया है जी दम पे, और साथ साथ मैं काउंटर क्लीन कर लेती हूँ। ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, लिया था एक छोटा सा ब्रेक जिसमें मैंने भिंडी गोश्त को लगा दिया था दम, और मैंने आपको बताया था कि जब इसमें हम भिंडी ऐड करेंगे तो फिर इसको आपने मज़ीद पानी नहीं लगाना है, क्योंकि भिंडी में होती है लेस, तो वो फिर बहुत ज़्यादा
लेस छोड़ देगी। तो हमने बस उसकी अच्छी सी बुनाई की है और इसको रख दिया है दम पे। अच्छा सा ऑयल उसमें डला हुआ है और जब हमने भिंडी को शैलो फ्राई किया था तो साथ उसमें भी ऑयल था, तो इसलिए अब फिक्र की कोई बात नहीं है कि ये जल जाएगा या लग जाएगा। बिल्कुल इसको हल्की आंच पे रखेंगे, 5 से 7 मिनट का टाइम इसको लगेगा और ये बिल्कुल डन हो जाएगी। जो गोश्त में थोड़ी बहुत कसर थी वो भी ख़त्म, हमने जब भुनाई की है तो ख़त्म कर ली थी, और अब जब इसको 7 मिनट का भिंडी के साथ दम लगेगा तो ये बिल्कुल टेंडर हो जाएगा, क्योंकि गोश्त जो है वो सख्त अच्छा नहीं लगता, तो इसको अच्छी तरह से आपने गलाना है। कॉलर्स के लिए एक रिक्वेस्ट है कि जब आप कॉल करें, क्योंकि आजकल मौसम बहुत ख़राब है, बारिशें हो रही हैं, डिस्टॉर्शन है, कॉल लगती नहीं है, अगर मिल जाए तो फिर बात नहीं हो पाती, तो जब आप कॉल मिलाएं तो टीवी का वॉल्यूम प्लीज़ स्लो कर दिया करें और या टीवी से दूर होकर कॉल मिलाया करें ताकि हमारी सही तरह से बात हो सके। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इसके कॉम्बिनेशन पे। घर की रोटी का कोई नेमुल बदल नहीं होता। चक्की के आटे की रोटी जो है वो डाइजेशन में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है, इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, और वही जिसे कहते हैं ना कि घर का जो फुल्का है उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। स्टोव को मैंने ऑन कर दिया है। आटा गूंदने के लिए 1 से 2 छोटी छोटे टिप्स हैं इसमें, इसको बहुत ज़्यादा इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्ट अगर आप ऐड करते हैं तो ऐड कर लें, कोई ऑयल कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक छोटा सा टिप ये है कि जब आप आटे को गूंदना शुरू करें तो आटे को नमक डाल के थोड़ा थोड़ा पानी लगा के एक सख्त सा डो बना लें, उसको मल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, उसको थोड़ी देर रेस्ट का टाइम देंगे, हार्डली 5 से 7 मिनट, और आप कोई और काम कर लें, और उसके बाद आप उसको अच्छी तरह से गूंद लें तो आपका आटा जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त गूंदा जाएगा और बहुत ही आला किस्म की रोटियां बनेंगी। तो ये छोटा सा एक टिप है अच्छा आटा गूंदने के लिए। साथ ही साथ हम बना लेते हैं जी मज़ेदार सी रोटियाँ, क्योंकि सब्ज़ी के साथ जो है वो घर की रोटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा जी, रोटी जो है वो अक्सर जो बिगनर्स हैं उनको बनाना मुश्किल लगती है कि गोल रोटी नहीं बनती या सही नहीं बनती, तो आपने जो ये आटा लेना है, जो पेड़ा लेना है, ये बहुत ज़्यादा ना तो बड़ा हो ना बहुत ज़्यादा छोटा हो। अच्छा जी, कॉल है, साथ साथ हम कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी प्लीज़ टीवी का वॉल्यूम अगर आपका है तो आप ऑफ कर दें। अच्छा, ये टीवी वॉल्यूम बंद कर दिया। ये बासित नज़ीर में बात कर रहा हूँ। जी जी, गुजरात से। जी बासित, तो आपसे फरमाइश करनी थी, ये दम पुलाव एक डिश है, तो क्या आप वो बना सकती हैं? जी दम पुलाव, दम पुलाव, सॉरी, ये दुम का पुलाव होता है। मुझे आवाज नहीं आ रही है इनकी। कॉल ड्रॉप हो गई है जी। अच्छा जी, साथ ही साथ हम रोटी को बेल लेते हैं, और ये हाथों की मदद से आपने इस तरह से इसको पहले बेल लेना है और फिर हल्का हल्का सा ऐसे खुश्का लगाना है, और इसको आप इस तरह से सीधा सीधा बेलें, बहुत ज़्यादा इधर उधर ना करें, तो आपकी रोटी जो है वो बिल्कुल गोल और अच्छी ही बनती है। किनारों को ज़रा अच्छी तरह से बेल लेंगे। आज कॉलर्स कोशिश कर रहे हैं लेकिन मौसम की ख़राबी की वजह से जो है वो शायद कॉल्स उस तरह से मिल नहीं रही। अच्छा जी, तवा हमने कर लिया है गरम, और एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सीमा आप? अच्छा शेफ, मुझे आपका नाम नहीं पता, पहले तो अपना नाम बताएं। मैं राफिया, राफिया दुरानी। राफिया मां, कॉल फिर से ड्रॉप हो गई है।
मौसम की ख़राबी की वजह से। ये देखें जी, इस तरह से आपने अच्छी तरह से ऐसे बेल लेना है। किसी दिन हम शो पे इंशाल्लाह आटा भी गूंदूंगी मैं, और आपको उसके जो ये टिप्स हैं वो सामने गूंद कर भी दिखाऊंगी। चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ कर लेते हैं इसका, ताकि रोटी का जो है वो कलर आ जाए। साथ ही साथ थोड़ा सा भिंडी गोश्त को देख लेते हैं, ये मॉइस्चर जो है वो क्रिएट हो रहा है और ऑयल जो है इसने अच्छी तरह से छोड़ दिया। बस 2 मिनट और इसको हम दम देंगे और फिर चूल्हे को हम बंद कर देंगे। आई एम रियली सॉरी, आज जो है वो कॉलर्स कॉल कर रहे हैं और उनसे बात नहीं हो पा रही है। कीप ट्राइंग, शायद किसी ना किसी की कॉल मिल जाए। री अच्छा सा हम इस पर कलर देंगे, आप कपड़े से इसको दबा भी सकते हैं। बहुत अच्छी रोटियां बनती हैं जो आपको मैंने टिप्स बताई हैं, उनको आप अगर फॉलो करें तो। अच्छा सा कलर देंगे इसको, कलर आ गया है और ये देखें जी हमारी ज़बरदस्ती फूली फूली सी रोटियां, फूले फूले से फूल के जो हैं वो तैयार होंगे। ये आपने आटा अच्छा गूंदा हो तो बहुत ही अच्छी जो है वो रोटी बनती है। ये एक रोटी हो गई है तैयार, इसको कर लेते हैं डिश आउट और साथ में बना लेते हैं एक दूसरा फुलका भी। ये हमारी मज़ेदार सा फुलका जो है वो रेडी हो गया है। भिंडी गोश्त को मैंने कर लिया है बंद और चूल्हे को कर दें आहिस्ता, क्योंकि जब नया नया तवा होता है तो फिर ये रोटी को जलाता है अगर बहुत ज़्यादा आपने तेज़ किया। ये आटे की जो क्वांटिटी है ये आपने मुनासिब लेनी है। अक्सर बच्चियाँ या ख़वातीन शिकायत करती हैं कि हमारी रोटी मोटी रह जाती है, तो वो यही है कि आप अक्सर पेड़ा बहुत बड़ा ले लेते हैं और उसको फिर सही तरह से बेलते नहीं हैं, और कहीं ना कहीं अगर आपका तवा नया होता है तो उसमें भी रोटी जो है नॉन स्टिक पे सिकड़ जाती है, तो तवा भी थोड़ा सा यूज्ड हो जाए तो फिर रोटी का साइज़ बेहतर हो जाता है। ये जी उंगलियों की मदद से इस तरह इसको आपने थोड़ा थोड़ा सा राउंड में घुमाना है और इसको शेप दे देनी है। एक दफ़ा अच्छी रोटी बनानी आ जाए तो फिर स्पीड बहुत अच्छी हो जाती है, मिनटों में आप बहुत सारी रोटियां बना लेते हैं। बस ये 2-3 चीज़ें हैं कि आटा अच्छा गूंदा हुआ हो, आटे की चॉइस अच्छी हो, तो फिर बहुत ही अच्छी रोटी बनती है। और जैसे मैं कहती हूँ कि रोटी का, घर की रोटी का, घर के फुलके का कोई नेमुल बदल नहीं है। चलिए डाल देते हैं रोटी। कॉल आप कर सकते हैं, दोबारा से ट्राई कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको झाड़ लेंगे ताकि हमारी जो रोटी है वो जब तवे पे डालें तो थोड़ी सी सिकुड़े और मोटी ना हो। ये देखें जी, ये डाल लेते हैं हम इसको तवे पे। चूल्हा मैंने कर दिया था स्लो, अब थोड़ा सा हम इसको कर देते हैं तेज़। आप कॉल के लिए दोबारा ट्राई कर सकते हैं। और आज आप क्या बना रहे हैं ज़रूर बताइए। ममूना के घर तो आज भिंडी ही बन रही है, उन्होंने कॉल करके बताया है और फिर उनकी बात। और साथ ही साथ आपको जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया है कि हमारी क्लास है नेक्स्ट वीकेंड 10th अगस्त को, तो आपने होपफुली रजिस्टर कर लिया होगा। इस्लामाबाद में मसाला क्लास है 2024 और इसमें बहुत सारे अच्छे शेफ्स आ रहे हैं, मैं भी हूँ, आपको हमसे मुलाकात का मौका मिलेगा, हमारे साथ गपशप का मौका मिलेगा और साथ ही साथ आप हमारे साथ फ़ोटोज़ वगैरह भी ले सकते हैं और हम आपके सामने लाइव कुकिंग भी करेंगे। तो बड़ी ही मज़ेदार और एक्साइटिंग क्लास होने वाली है जो सुबह 9 से
5 बजे तक होगी जी। ये देखें जी, हम इस तरह से इसको फुला लेंगे अच्छी तरह से। ये ज़बरदस्त सी हमारी रोटियां भी बन के तैयार हो गई हैं। तो इसको भी हमने अच्छा सा सेक लिया है। तो ब्रेक का टाइम हो गया, ले लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए जायकों की दुनिया। वेलकम बैक जी। लिया था हमने एक छोटा सा ब्रेक और सामने बनाई थी मैंने आपकी रोटियाँ, पूरी पूरी सी मज़ेदार सी रोटियाँ बनाई थी। साथ में जल्दी से बना लेते हैं ज़ीरे वाली लस्सी। बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी मीठी लस्सी बनती है। भिंडी गोश्त हमारा तैयार है। ये दही है तकरीबन 1 से 1.5 कप के बराबर दही ले लेना है। दही आजकल थोड़ा सा गर्मी की वजह से ज़रा जल्दी खट्टा हो जाता है, तो हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी चीनी भी, थोड़ा सा नमक भी, थोड़ा सा काला नमक भी और ज़ीरा। बहुत ही डिफरेंट सी मज़ेदार सी ये लस्सी बनती है। और तकरीबन जो 2 कप दही से आप एक पूरा जग बना सकते हैं। 1 टीस्पून के बराबर मैंने डाल दी है जी इसमें चीनी, इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून के बराबर ज़ीरा, थोड़ा सा जाएगा काला नमक, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा सा ऐड करेंगे पानी, आइस क्यूब्स और मज़ेदार सी ठंडी ठंडी लस्सी तैयार होगी। इस टाइम पे थोड़ा पानी ऐड करेंगे, आप बाद में भी इसको ऐड कर सकते हैं। ग्राइंड कर लेंगे ताकि जो ज़ीरा है वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। साथ ही साथ इसको कर देती हूँ डिश आउट भी। बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट सी लस्सी है। ज़ीरे की तासीर वैसे भी ज़रा ठंडी होती है तो ये अच्छा भी लगता है। बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त सी लस्सी जो है हमारी तैयार हो गई है। साथ ही साथ थोड़ा सा इसको गार्निश कर लेंगे पुदीने के पत्तों से, और साथ ही हम डिश आउट कर लेंगे अपनी भिंडी गोश्त को। चीज़ों को मैं साइड पे कर लेती हूँ और डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए जी, ज़बरदस्त सा हमारा भिंडी गोश्त रेडी है। इसको भी कर लेते हैं डिश आउट। ये देखिए, भिंडी का साइज़ इसलिए ही बड़ा रखा था कि जब आप इसको गोश्त के साथ बनाते हैं तो इसका कुकिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। बहुत ही मज़ेदार सी भिंडी बनती है। प्याज हमने थोड़ा सा ज़्यादा रखा था ताकि ये अच्छा सा मसाला भी बन जाए, और प्याज का टेस्ट भिंडी में बहुत अच्छा लगता है। इसको भी थोड़ा सा मैं क्लीन कर लेती हूँ, साथ ही साथ इसको भी इस साइड पर कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी बनती है। जैसे मैंने आपको बताया कि गर्मियों में फोकस जो है लाइट फूड पे ही होता है, बहुत ज़्यादा पाए निहारियाँ और इस तरह का फूड नहीं खाने को दिल चाहता। आपका दिल करता है कि इसी तरह ज़्यादा ड्रिंक्स हों, लिक्विड्स हों और इस तरह की हम चीज़ें साथ बनाएं। और घर की रोटी का कोई निमुल बदल नहीं है, गरम गरम रोटी जो है वो बहुत ही मज़ा करती है। तो ये थी जी आज की हमारी डिशेज़। हमने बनाई थी भिंडी गोश्त, घर की रोटी और ज़ीरा लस्सी। ज़रूर ट्राई करें, मुझे रहेगा आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार। मिलते हैं कल सुबह 11 बजे। बहुत ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।
गोश्त, अच्छा गोश्त आधा किलो, भिंडी आधा किलो, प्याज 3-4 अदद, टमाटर 3 अदद, तेल 1 कप, गोल लाल मिर्च 3-4 अदद, नमक 1 चाय का चम्मच, मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच, खुश्क धनिया 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्च 5-6 अदद, बारीक स्लाइस अदरक हस्बे जरूरत, अदरक लहसुन हस्बे जरूरत। तरकीब, भिंडियों पर कट लगा के गर्म तेल में शैलो फ्राई कर लें। अब गोश्त में नमक और लहसुन शामिल करके उबालें कि वो 80% गल जाए। एक पैन में तेल गर्म करके बारीक कटी प्याज सौते कर लें, फिर इसमें अदरक लहसुन टमाटर और तमाम मसाले डालकर भूनें। मसाला भुन जाए तो उसमें गला हुआ गोश्त डालकर अच्छी तरह भूनें। जरूरत हो तो गोश्त की यखनी वाला पानी मिला दें। उसके बाद अच्छी तरह भूनें कि फ्राई भिंडियाँ शामिल कर दें। आखिर में हरी मिर्च और बारीक स्लाइस अदरक डालकर सर्व कर दें। घर की रोटी, अज्जा, आटा हस्बे ज़रूरत, पानी हस्बे ज़रूरत। तरकीब, आटे को पानी से अच्छी तरह गूंधें और सेट होने फ्रिज में रख दें। अब इसके छोटे छोटे पेड़े बनाकर पतली रोटियां बेल लें, फिर इन्हें दोनों तरफ से सेंक कर सब्जी के साथ सर्व कर दें। ज़ीरा लस्सी, अज्जा, दही 1 कप, ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, बर्फ 8-10 क्यूब्स, काला नमक 1 चुटकी, चीनी आधा चाय का चम्मच। तरकीब, ब्लेंडर में दही, तमाम अज्जा और आधा ग्लास पानी डाल के ब्लेंड कर लें। जब इसका मक्खन ऊपर आ जाए तो मज़ेदार ठंडी ज़ीरा लस्सी सर्व कर दें।